आर्कियोलॉजिस्ट आए दिन नई नई खोज को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें हरियाणा के राखीगढ़ी में 4500 साल पुराना कंकाल मिला तो हर कोई दंग रह गया। वो इसलिए क्योंकि महज उस कंकाल ने भारतीय इतिहास की नींव को हिला डाला। वैश्विक पटल पर एक बड़ी बहस छिड़ गई और तरह तरह के सवाल उठने लगे, जैसे भारत का मूल निवासी कौन है, क्या आर्य आक्रमणकारी थे या फिर आर्य विदेशी थे। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राखीगढ़ी में मिले उस नर कंकाल की रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने देश में इतना बड़ा भूचाल ला दिया। आइए इन मामलों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इसकी प्रमुख नदी घग्गर है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हरियाणा स्थित राखीगढ़ी की खोज 1963 में की थी। इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997 से 1999 के दौरान अमरेंद्र नाथ ने किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में राखीगढ़ी इतना विकसित नहीं है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि यहाँ कभी विकसित और सुनियोजित शहर बसा करता था। सीधी सड़कें, पक्की दीवारें, बहुमंजिला घर, नालियाँ और यहाँ तक कि सड़क के कोनों पर कचरा एकत्र करने का एरिया, जिससे ये बात सामने आती है कि यहाँ कभी व्यापक और नियोजित नगर थे। अब तक मिले अधिकांश साक्ष्य और कलाकृतियाँ परिपक्व हड़प्पा कला की हैं, जो लगभग 5000 साल पुरानी हैं। आपको बता दें कि समय समय पर यहाँ खुदाई का कार्य चलता है ताकि कुछ नई जानकारी मिल सके। बताते हैं कि साल 2014 में ये भी कहा गया था कि यहाँ मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा शहर मौजूद है, लेकिन जब पुणे के डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर वसंत शिंदे की अगुवाई वाली टीम ने 2015 में राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 में खुदवाना शुरू किया तो उन्हें वहाँ से 4500 साल पुराने कंकाल मिले, जिसके बाद इन कंकालों की एक DNA रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। राखीगढ़ी में मिले इस नर कंकाल की रिपोर्ट में R1A1 जीन नहीं था। अब ये किस चिड़िया का नाम है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसे आर्य जीन कहते हैं, जो हम सभी लोगों में पाया जाता है, खास तौर पर उत्तर भारतीय लोगों में, जबकि राखीगढ़ी में मिले कंकाल का जीन दक्षिण भारतीय जनजातियों से ज्यादा मेल खाता है, जिसने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में 4 नतीजे उभर कर सामने आए। पहला, हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत और हिंदू संस्कृति के मूल स्रोत नहीं थे। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीयों से ज्यादा मेल खाते थे। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ियों के ज्यादा करीब थे। चौथा, वर्तमान भारतीयों और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जेनेटिक कनेक्शन है। दोस्तों इन बातों से ये तो जाहिर होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग उस वंश के लोगों जैसे नहीं थे जैसे आज उत्तर भारतीय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंकाल के DNA सैंपल्स नियोलिथिक ईरानी किसानों के सैंपल्स से मैच करते हुए मिले। साथ ही उसमें एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन ASI जीनोम का भी हिस्सा पाया गया। बताते हैं कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर डेविड रिश की देखरेख में DNA सैंपल्स की जांच कराई गई थी। इसमें भी नतीजों की पुष्टि हुई। दोस्तों ASI को ईरानी किसानों और स्थानीय द्रविड़ जातियों का मिश्रण माना जाता है। वहीं कंकाल के DNA सैंपल का तमिलनाडु के नीलगिरी की इरूला आदिवासियों के DNA से भी सामंजस्य दिखा। दरअसल दोस्तों ये सारी कहानी R1A1 जीन की वजह से शुरू हुई, जो राखीगढ़ी में मिले कंकाल के DNA रिपोर्ट में नहीं मिला। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, जिसके बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। भारत देश में मुख्य रूप से दो तरह की नस्लें देखने को मिलती हैं, पहला दक्षिण भारतीय पूर्वज और दूसरा उत्तर भारतीय पूर्वज। उत्तर भारतीयों को मिश्रित प्रजाति माना जाता है, जिनमें R1A1 हैप्लो ग्रुप की मजबूत मौजूदगी पाई जाती है। भारत में इस जीन का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। जब ये जीन राखीगढ़ी में मिले उस कंकाल के DNA में नहीं मिला तो बहस छिड़ गई कि क्या वाकई आर्य यहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि अब तक की रिसर्च के मुताबिक आर्यों को भारत का मूल निवासी माना जाता है, जो बाद में यूरेशिया की तरफ चले गए थे। लेकिन इस रिपोर्ट ने आर्यों और भारत के असली मूल निवासी होने पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चलिए आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं। भारत में 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व बताया जाता है। ये एक अत्यंत कुशाग्र, कल्पनाशील, व्यवहार बुद्धि से परिपूर्ण और सुसंगठित सभ्यता थी, जिसने दुनिया की पहली प्लांड सिटी मोहनजोदाड़ो बसाई थी। ये सभ्यता 1900 ईसा पूर्व में रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गई और उसके स्थान पर एक वैदिक सभ्यता उभरती दिखाई देती है। फारस से लेकर गंगा के द्वाब तक हजारों किलोमीटर के दायरे में फैली ये सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई, इस बारे में दो थ्योरीज प्रचलित हैं। पहली ये कि किसी प्राकृतिक आपदा या जलवायु परिवर्तन संबंधी संकट के कारण उनका नाश हो गया। दूसरी ये कि आर्यों ने उन पर चढ़ाई कर उन्हें दक्षिण में खदेड़ दिया।
ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के मूल निवासी अश्वेत थे, जैसे कि आज द्रविड़ लोग पाए जाते हैं, और आर्य गौरंग थे, जैसे कि उत्तर भारतीय सवर्ण देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आर्यों के आगमन या फिर उनके यहाँ के मूल निवासी होने के संबंध में भी तीन तरह की थ्योरीज प्रचलित हैं। पहली आर्य इन्वेंशन थ्योरी, जो कहती है कि आर्य यूरोपियन नॉर्डिक थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर धावा बोला था। ये लोग अपने साथ संस्कृत भाषा और वर्ण व्यवस्था की प्रणाली लेकर आए थे। इस थ्योरी का आधार भारूपीय भाषाएं हैं, जिसमें संस्कृत और लैटिन से उत्पन्न होने वाली भाषाओं में कई समानताएं पाई जाती हैं। दूसरी थ्योरी आर्य माइग्रेशन थ्योरी कहलाती है, जिसके तहत आर्य भारत आए जरूर थे, मगर वो यहाँ आकर मूल निवासियों से घुल मिल गए थे और उत्तर से दक्षिण तक फैल गए थे। तीसरी थ्योरी, जिसे आउट ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके मुताबिक आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और कालांतर में मध्य एशिया और यूरोप तक फैल गए थे। खैर, थ्योरी चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी है कि आर्य आक्रमणकारी थे। भारत की जातीय स्मृतियों में आर्यों को कभी विदेशी की तरह नहीं देखा गया। ऋग्वेद जैसी प्राचीनतम पुस्तक में भी ऐसी धारणा नहीं देखने को मिलती है कि आर्य बाहर से आए हों। सिंधु घाटी सभ्यता तक रुद्र और शिव के विग्रह पाए गए हैं। ऐसे में आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को केवल इस कल्पना के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है कि उन्होंने यहाँ आकर यहाँ की सभ्यता को जस का तस अपना लिया हो। और वैसे भी हड़प्पा संस्कृति में कहीं भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिसमें ये बताया गया हो कि करीब 4000 साल पहले यहाँ युद्ध या फिर भीषण रक्तपात हुआ था, जिसने इतनी विकसित सभ्यता को नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों को बाहरी और आक्रमणकारी सिद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं डॉक्टर शिंदे का ये भी कहना था कि इस जांच से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, अभी बड़े पैमाने पर सैंपल्स की जांच होना बाकी है। आपको बता दें कि आर्यों के अस्तित्व पर सवाल उठने वाली इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से जांच की गई, जिसके बाद सब क्लियर हो गया। करीब 3 साल की रिसर्च के बाद आर्यों को भारत का मूल निवासी बताया गया। नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत के मूल निवासियों पर आर्यों के आक्रमण की थ्योरी पूरी तरह गलत है। सच्चाई तो यह है कि उस काल में भारत के मूल निवासियों पर किसी तरह का आक्रमण हुआ ही नहीं था। उल्टा भारत के ही लोगों के कुछ पूर्वज ईरान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मिडिल ईस्ट देशों में गए थे। उन्होंने ही वहाँ के लोगों को खेती करना और अन्य प्रमुख कलाओं से परिचित कराया। रिसर्च में ये भी खुलासा हुआ है कि अविभाजित भारत के हड़प्पा काल के निवासी ही लगभग सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के पूर्वज हैं। राखीगढ़ी पर रिसर्च कर रही टीम के निदेशक प्रोफेसर वसंत शिंदे का ये भी कहना था कि भारत पर आर्यों के आक्रमण की कहानी पूरी तरह से गलत है। राखीगढ़ी में दबे शवों के कंकालों के डीएनए परीक्षण के बाद ये तथ्य सामने आए हैं कि हड़प्पाकालीन भारतीय क्षेत्र में रह रहे लोग ही समय के साथ दक्षिण के राज्यों तक चले गए थे। उन कंकालों के डीएनए और आज के दक्षिण भारतीय लोगों के डीएनए ये बात साबित करते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका तक के देशों के लोगों के डीएनए टेस्ट ये बताते हैं कि वे सब हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों के वंशज हैं। नई रिपोर्ट में साफ हो गया है कि भारत में आर्यंस के आक्रमण जैसी कोई बात नहीं थी। भारत के मूल निवासियों ने खुद खेती करना, शिकार करना, पशुपालन करना सीखा था। अफगानिस्तान से लेकर अंडमान तक सभी का एक ही जीन है। लगभग 10-12 हजार साल से एशिया का एक ही जीन रहा है। भारत में विदेशियों के आने की वजह से जीन में मिक्सिंग होती रही, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति बन गई। भारत में खेती करने और पशुपालन करने वाले लोग बाहर से नहीं आए थे। हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर आर्यन बाहर से आए होते तो अपनी संस्कृति साथ लाते। इस तरह साबित होता है कि आर्य भारत के ही निवासी थे और हम आर्यों के ही वंशज हैं। दोस्तों, आपकी इस थ्योरी पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।